Hello everyone, so we are solving the back exercise of the chapter the DNF block elements and today we will discuss question number 8. So the question is, what are the characteristics of the transition elements and why are they called transition elements? Which of the D block elements may not be regarded as the transition elements? Kya karna कैरेक्टरस्टिक्स बतानी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एंड वाई आर दे कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स उसके बाद क्या करना है आपको बताना है कि कौन से डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में काउंट नहीं करते तो सबसे पहले देखते हैं कैरेक्टरस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या क्या कैरेक्टरस्टिक्स हैं बेटा देखो ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल्स जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? मेटल्स हैं दे शो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ डक्टिलिटी, मेलियबिलिटी हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज एंड पर्जेज मेटालिक लास्ट शो ये सारी के सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो मेटल शो करते हैं मेटल्स की हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है मेटल से आप वायर्स बना सकते हैं और उनको हैमर करके हैमरिंग करके उनको आप क्या कर सकते हैं बेटा शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं थर्मल कंडक्टर्स होते हैं गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं और क्या है मेटालिक लास्टर मतलब एकदम लास्टरस होते हैं शाइनी होते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है दीज एलिमेंट्स एक्सेप्ट मार्करी मार्करी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मार्कर ऑल एलिमेंट्स आर हार्ड हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग मेटल्स नेक्स्ट वन इज

कलर्ट इन और मतलब वो इस बात का ये जो एलिमेंट्स हैं, ये शो करते हैं वेरिएबल क्यों ऐसा, ऐसा इसलिए क्योंकि जो आपके पास है एन माइनस वन डी ऑर्बिटल एंड एन एस ऑर्बिटल इन दोनों की जो एनर्जी है वो ऑलमोस्ट इक्वल है तो क्या होगा ये दोनों के दोनों ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में इस वजह से ये शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट

आप इसमें से हर एक प्रॉपर्टी को हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत अच्छे से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं तो ये डिपेंड करेगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया है आप उसके अकॉर्डिंग हर एक पॉइंट को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे ठीक है उसके बाद क्या पूछा है आपसे वाई आर दे कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये तो हमें अभी तक समझ आ गया है बहुत अच्छे से द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज दीज इन है ग्राउंड स्टेट और इन एनी वन ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे एलिमेंट्स जिनका जो डी ऑर्बिटल है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड है ग्राउंड स्टेट में या फिर किसी भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में तो हम कहेंगे वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट है कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं मानते वो है बेटा आपके पास जिंक कैडमियम एंड मर्क्री ऐसा क्यों बिकॉज दे हैव फुल डी टेन कॉन्फिग्रेशन इन देयर ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट कैसे समझ सकते हैं इसको देखो आपने लिया जिंक जिंक का अटोमिक नंबर कितना बेटा थर्टी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी आर्गन थ्री डी टेन फोर एस टू तो यहां पर इसके पास है कंप्लीटली फिल्डी ऑबिटल तो अभी हम नहीं कह सकते कि यह ट्रांजिशन एलिमेंट है लेकिन अभी हम ये भी नहीं कह सकते कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है क्योंकि अभी तक हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो चेक नहीं की तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट वो है बेटा ZN2 ZN2 में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन कितनी हो जाएगी दो इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे फोर एस ऑबिटल से और आपके पास बचेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन थ्री डी टेन यहां पर भी आपके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं आया देयरफॉर हम कहेंगे कि जिंक एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है क्लियर तो जिंक के साथ साथ ऐसे ही आपके पास होता है कैडमियम एंड इन तीनों एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंसिडर नहीं करते क्लियर है बेटा ये पूरा थियरटिकल सा क्वेश्चन था एंड इस चैप्टर में काफी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सिर्फ थियर्टिकल है तो आप उनको अपने तरीके से लिख सकते हैं बस कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए और की यूज किए होने चाहिए क्लियर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में तब तक के लिए बाय बाय